अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आप सबका वेलकम हमारे चैनल फैमिली फूड हाउस पे। तो आज मैं बना रही हूँ राइस बॉल। ये आलू जो है वो ये मैंने थोड़े से उबाल के फिर फ्राई करके इसमें हरा धनिया और थोड़ी सी प्याज जो है मिला के नमक, बस यही कुछ मिलाया है क्योंकि मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इसको मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊँगी। अगर आप स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसमें कुटी मिर्चें भी डाल सकते हैं, काली मिर्चें भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बच्चों की वजह से बस सादे बनाऊंगी, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाऊंगी। ये मैंने स्लाइस लिए हुए और इसकी साइडें मैंने काट दिए छुरी से। और ये मैंने बेसन घोल के रखा हुआ है, ये मैंने थोड़ी सी पीसी मिर्चें और नमक मिलाया है। तो चले स्टार्ट करते हैं। पहले हम हाथ को थोड़ा सा गीला कर लेंगे पानी में। अब ये मसाला बनेंगे। इस तरह हाथ की मदद से इसको आप जो है इस तरह गोल शेप में बना देंगे और फिर बेसन में इसको डिप करेंगे। तो ये जो है ये फ्राई हो रहे हैं हमारे राइस बॉल, जब इसका अच्छा सा कलर आ जाए गोल्डन तो फिर हम इसको निकाल लेंगे। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये मज़ेदार से राइस बॉल जो है वो तैयार हो गए। आप इसको चिली गार्लिक सॉस के साथ भी खा सकते हैं, टोमेटो केचप के साथ भी खा सकते हैं, और अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो आप इसको इमली और कुटी मिर्चों की चटनी बना के उसके साथ भी खा सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।